हेलो डियोन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyadi.in। अब हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ मोनोमियल्स गिवन है, उसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स कि आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना है। द फर्स्ट वन इज 4 and 7p। नाउ वी कैन सी एक हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है और जो दूसरा वाला है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर हम लेते हैं 7p, 7p का क्या मतलब है कि 7 को मल्टीप्लाई करा है p से, राइट? एंड वी नो दैट कि हम कॉन्स्टेंट को वेरिएबल से प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी करते थे। अगर आपके पास 2 × x है तो वो हो जाता है 2x। सिमिलरली p भी वेरिएबल है, सो 7 × p हो जाता है 7p, राइट? मीन्स आप कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, वी हैव 4 and 7p। सो इसका मतलब है 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7p से। सो 4 × 7 × p, तो हम 4 को 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4 × 7 = 28 एंड साथ में p है, सो ये हो जाएगा 28p। नाउ सेकेंड पार्ट में वी हैव −4p and 7p। सो दिस मीन्स −4 × p × 7 × p। अब जो नंबर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 7 = 28 अगेन, एंड साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पे हमारे पास साथ में 2p है, जैसे कि अगर हमारे पास होता है 2 × 2, सो वी नो दैट 2 × 2 = 4, लेकिन 2 × 2 को हम 2² भी लिख सकते हैं। 2² क्या होता है? 4 अगेन, राइट? सो अगर टू नंबर दो बार आ रहे तो हम उसको 2² लिख देते हैं। ऐसे अगर ये 3 बार होता तो हम लिख देते 2³, राइट? सो यहाँ पे जो p है, जब हम इन 2p को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा p² सो दिस विल बी −28p². ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज अगेन वी हैव −4p and 7pq। सो एक है −4 × p × 7 × p × q। नाउ −4 × 7 = −28, p × p = p² × q। अब पी स्क्वायर और क्यू को मल्टीप्लाई करके आप क्यूब नहीं कर सकते, बिकॉज पी अलग वेरिएबल है, क्यू अलग वेरिएबल है। सो इसको लिखने का तरीका होता है p² साथ में हमने लिख दिया q। ओके, सो दिस इज द आंसर, −28p² q। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1, 2 and 3। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है 4p³ and −3p। सो इसका मतलब है 4p³ का मतलब क्या है? p × p × p and −3 × p, राइट? सो 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 × 3 = 12, साथ में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो ये आ गया −12। अब बचा p, तो p कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। अभी हमने देखा था जब 2 बार है तो हमने उसे p² लिख दिया था, सो अब अगर वो 4 बार है तो हम उसको लिख देंगे p² 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी −12p² 4। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में है 4 × p × 0। नाउ 4p × 0, 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 0, सो द आंसर इज 0। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।